कि भगवान राम ने जो अपने हथियार छुपाए थे वन में जाने से पहले, वो इसी पेड़ के नीचे छुपाए थे। उद्धव को भी म्यूजिक सुनना बहुत ही पसंद होता है। आप ये करके देखिए और अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी खुद बे खुद ही आ जाएगी। कहने के लिए एक स्टोरी है, पर कभी कभी आप इसमें यहाँ पे धूप लगाइए, कुछ मंत्र चलाइए, कुछ गाने चलाइए और फिर इस एनर्जी का लुफ्त उठाइए। कहते हैं ना गर्मियों में फ्लावरिंग नहीं होती, तो इस गुलाब में गर्मियों में भी फ्लावरिंग होती है। ये फिनाइल की बोतल थी और जो झाड़ू होती है ना जी, वो झाड़ू मैंने इसके ऊपर चिपका के सुतली से इसे रैप कर दिया। लेडी इस पे नहीं, यहाँ पे लेडी बग का अटैक हो चुका बहुत बुरी तरीके से। शायद मेरे प्यार की वजह से ये पौधे इस तरीके से खिलते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। दोस्तों, आज एक और बेहतरीन वीडियो के साथ मैं अपने चैनल पे आ चुका हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके घर पे विजिट करता हूँ, आपके टेरेस गार्डन को अपने चैनल पे शो करता हूँ। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ रोहिणी सेक्टर 22। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ दिल्ली रोहिणी सेक्टर 22 में और जिस छत पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे आपको ढेर सारे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के ऑप्शंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही में आज की वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपके प्लांट्स फोर्थ फ्लोर पे हैं तो वहाँ पे किस टाइप के प्लांट सर्वाइव करते हैं, कौन कौन से प्लांट अच्छे से चलते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं शर्मिला मलिक जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हैं जी? कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ। मैं बहुत बढ़िया मैम। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने घर पे बुलाया और अपने गार्डन को मेरे चैनल पे दिखाने का मौका दिया। और मेरे भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मेरे को सेलेक्ट किया और मेरे गार्डन को सेलेक्ट किया। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो गार्डन है बहुत ही सुंदर आपने डेकोरेट किया है। थैंक यू, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और साथ ही में जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ वो भी काफ़ी बेहतरीन है। अभी तक की मैंने जितनी वीडियोस कवर की हैं फ्रेंड्स, मैम के कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि अभी तक की वीडियोस में मैंने कवर नहीं किए हैं, तो आज की वीडियो में काफ़ी स्पेशल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, स्किप करते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। सो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी गार्डनिंग जर्नी क्या है, कितना टाइम हो गया गार्डनिंग करते हुए, कैसे आपका इंटरेस्ट आया? गार्डनिंग जर्नी तो मैं कहूँगी मेरी बचपन से है, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुई थी और एक किसान परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, तो गार्डनिंग और खेती तो मेरी रगों में बसी हुई है। लेकिन जब मैं दिल्ली में शादी करके आई थी तो मेरा वो सपना अधूरा रहा, क्योंकि घर छोटा था। और 5 साल पहले जब हमने रोहिणी में एक घर लिया तो जो छत वाला टेरिस के साथ घर लेने का मकसद भी यही था कि मैं यहाँ पर एक टेरिस गार्डन बनाऊँ। और मैंने ये शुरुआत की, मुझे कुछ भी नहीं आता था, हालांकि मैं पौधों के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी, लेकिन मैंने भी यूट्यूब से ही सीख सीख के अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और मेरा पहला वीडियो जब मैंने डाला था अपने सोशल मीडिया पे तो उसे लोगों ने बहुत ही सराहा और उनके प्रोत्साहन से ही आज मेरा ये गार्डन इस तरह से है। बहुत सुंदर मैम आपकी डेकोरेशन है, बहुत ही सुंदर प्लांट्स हैं। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस टाइप के प्लांट्स लगाना पसंद करते हैं? मैं यहाँ पे आपके व्यूवर्स को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में टेरिस गार्डन बना रहे हो, तो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, मैं बहुत सुंदर सुंदर प्लांट लेके आई लेकिन वो यहाँ सर्वाइव नहीं किए। तो जो हार्डी प्लांट हैं जिन्हें मेंटेनेंस की कम से कम ज़रूरत पड़ती है और एक दो दिन पानी के बिना भी रह सकते हैं, उसी तरह के प्लांट आप इस तरह के गार्डन में लगाएं और वो सारी जानकारी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड, डिटेल में आगे हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मैम ने कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं, कौन कौन से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के ऑप्शंस मैम के पास हैं, वो सभी आपको दिखाए जाएंगे। तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पे हर दिन ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती हैं। चैनल को ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी हमने 1 लाख की फैमिली कंप्लीट कर ली है। सो फ्रेंड, चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। संदीप जी, स्वागत है आपका मेरे इस गार्डन में। थैंक यू सो मच। और मैं आज आपको अपने गार्डन में बहुत कुछ दिखाना चाहूंगी और इस गार्डनिंग की शुरुआत मैंने कैसे की वो मैं पहले ही बता चुकी जी। तो इस
आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में, वहाँ पे हमने एक बीच में सीटिंग एरिया बनाया हुआ है। जो भी आपके पास फर्नीचर अलमीरा वगैरह पड़ी है उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और उसके पीछे मेरी बालकनी है, उसमें भी मैंने कुछ काम किया हुआ है। अच्छा। तो उसको भी मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हम गार्डन से। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम इनके मेन गार्डन में, स्टार्टिंग मैम ने यहाँ से कर दी है, इसके बाद हम इनके पीछे वाले एरिया को भी दिखाने वाले हैं। जी मैम, कहाँ से दिखाएंगे? जी पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। जी यहाँ पे हमारा ये सीढ़ियों का एरिया है, तो इसे मैं बहुत ज्यादा भर के नहीं रख सकती क्योंकि यहाँ पे हमारा लिफ्ट रूम है, तो इसको मैंने खाली किया हुआ है। और यहाँ पे जो हमारे पास प्लेट्स वगैरह थी जो टूट जाती है ना किचन के अंदर, जी मैम, उनके अंदर बस जो भी आपसे आता है ना वो करके लगा दो। ये मत देखो कि आपकी ड्राइंग अच्छी है नहीं, क्योंकि आप अपने हाथ से जो बनाओगे ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा और आपको सकून मिलेगा और बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ ये दिवाली के दिए हैं जो मैंने सुतली से, या आप तार आता है उससे भी हैंग करके लगा सकते हो। तो पूजा की चीज ऐसे हम नदी नालों में फेंक के उन्हें गंदा करने से बचा सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने घर की छोटी छोटी चीजें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए बाल्टी के ढक्कन है, तो आपको जो भी आता है ना ड्राइंग में खुद से, या आपके घर में बच्चे हैं ना उनको सिखाएं, उनको आदत डालें, तो उनको भी अच्छा लगेगा और वो लोग एनवायरनमेंट से जुड़े रहेंगे। और फ्रेंड ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये स्टेयर्स जैसे कि मैंने बताया, इसको प्रॉपर मैम ने इन्हीं सब चीज़ों से डेकोरेट किया हुआ है। इस तरीके से आप भी अपने खाली स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगे, सेकंड आपका जो स्पेस है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और आगे चलते हैं मैम, साथ ही में मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे आपने प्लांट्स वगैरह भी यहाँ पे डेकोरेट कर रखे हैं, पूरी वॉल को आपने डेकोरेट किया हुआ है प्लांट्स से। हाँ। जी यहाँ पे दीवार बहुत गंदी है, तो मैंने सारा बोगनविला लगाया है ताकि ये सारा इसे कवर कर ले और ये एरिया अपने आप में अच्छा लगने लगेगा जब ये पूरे से कवर हो जाएगा। और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। हाँ जी, इस पे हमेशा बस दिसंबर में जाके थोड़ी फ्लावरिंग कम होती है, पूरे साल ये फ्लावर करते रहते हैं प्लांट, तो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से सेटअप लगाया है ताकि ना हम अपने, कई बार मैं अपने बुद्धा भी यहाँ पे रख देती हूँ, मैं चेंज करती रहती हूँ गार्डन में चीजों को इधर से उधर ताकि हमें एक नई फीलिंग आ सके। अच्छा फ्रेंड्स, मैम को होम डेकोरेशन का भी शौक है, तो दिवाली के टाइम पे हम इनके घर पे एक बार फिर से आने वाले हैं। इनका उस टाइम पे बहुत ही सुंदर सेटअप होता है, वो सारा का सारा हम दिखाएंगे। खास तौर पे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जैसे कि मैंने आज की वीडियो में बोला वो तो आप देखेंगे, लेकिन दिवाली पे भी कुछ अलग ही नजारा होता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी दीयों से काफी सारी, हाँ ये दीये हैं सारे दिवाली के जो मैं फेंकती नहीं हूँ, बस इनको ऐसे ही धागे से लटका दो, आप तार से लगा दो, सुतली हो कोई धागा हो। ये देखो मैंने ऊन से लगाया हुआ है जो कि हर लेडी स्वेटर बनाती है, और मेरे ख्याल से सबके घरों में एक ऊन का गोला मिल जाएगा जिसकी सहायता से आप ऐसे, ये मैंने ड्रिल से किए हुए हैं, आप इन्हें पानी में भिगा के पेचकस की सहायता से भी इनमें छेद बना सकते हो, और अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो बहुत ही मिनटों में आपका ये काम आसानी से हो जाता है। देखिए फ्रेंड, तो आपके जो घरों में आपसे दिए आए उनको आप जरूर अपने गार्डन में यूज करें, आपके सामने एग्जांपल है। अब ये देख सकते हो पेंट का डब्बा, हालांकि अभी अधूरे हैं, इनके ऊपर भी आप कुछ डॉट्स वगैरह बना सकते हो, ये पेंट के खाली डब्बे हैं। कहाँ आप फेंकोगे, एनवायरनमेंट को गंदा करोगे, कूड़े को ढेर लगाओगे, तो कोशिश करो कि कूड़े को घर में यूज करो, भले ही वो सब्जियों से निकलने वाला हो या आपके घर का आउट ऑफ वेस्ट हो, आप कोशिश करो कि उसे अपने घर में सजाने के काम में लाएं, और सब्जियों के छिलके वगैरह से भी आप अपनी खाद वगैरह बना सकते हैं। ये देखो मैंने स्टोरी बनाई हुई है, और मैं देहरादून गई थी तो ये पत्थर नदी से निकाल के लाई थी, सी पे गए थे तो हम यहाँ से ये पत्थर निकाल के लाए थे, तो मैं जहाँ जाती हूँ ना वहाँ से छोटे छोटे पत्थर कलेक्ट करके लाती हूँ, ये कोई भी खरीदे हुए पत्थर नहीं है, तो मैं कहीं भी जाती हूँ ये पत्थर लेके आती हूँ, बस अपने आप ही स्टोरी बनाती हूँ। और आप कहते हो बोनसाई, मैं भी कोशिश कर रही हूँ बनाने की, मुझे नहीं आता, लेकिन आप भी मेरे की तरह सीख सकते हो, बना सकते हो। बहुत सुंदर मैम, डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है आपकी। साइड में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे है गुलाब, ये देसी गुलाब है। गुलाब के बारे में मैं तो यही कहूंगी, अगर आप गुलाब के शौकीन है वेरिएटेड कम रखे, देसी गुलाब रखे, क्योंकि इसमें कीड़ा नहीं लगता और इसमें फ्लावरिंग ऑलमोस्ट, कहते हैं ना गर्मियों में फ्लावरिंग नहीं होती, तो इस गुलाब में गर्मियों में भी फ्लावरिंग होती है, तो देसी गुलाब को अपने गार्डन में जरूर रख। अब चलते हैं संदीप जी इस कॉर्नर में, आप ये बोगनविला देख सकते हो, ये कलकत्ता की है, और इसकी जो कलर है ना वो इसकी कलर की वजह से ही मैं इसको लेके आई थी, इसके कलर बहुत ही खूबसूरत पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही रेयर मिलती है ये, और इसकी जब फ्लावरिंग होनी शुरू होगी, देखो अब इसमें पत्ते बिल्कुल दिखाई देने बंद हो जाएंगे और फ्लावर ही फ्लावर इसके अंदर होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। यहाँ पे मैंने ये लेमन के प्लांट लगाए हुए हैं, और पूरी सर्दी, गर्मियों में थोड़े बहुत लेमन खरीदते हैं हम, हमारे लेमन खत्म हुए, पूरी सर्दी हम घर के लेमन यूज करते हैं।
यहाँ आप देख सकते हो ये मेरे दो लेमन के प्लांट हैं जिन पे 12 महीने लेमन आते हैं। केवल अब जाके इसके लेमन ख़त्म हुए हैं। पूरी सर्दी हमने घर के लेमन खाए हैं और कागजी है, ये बहुत ही अच्छा जूस है। और इसको मैं राजकुमार नर्सरी से लेके आई थी पंजाबी बाग से। अच्छा हाँ मैम, इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो होते हैं और भी चीज़ें, वो आप कैसे यूज़ करते हैं? देखो मैं तो गार्डनिंग का आसान तरीका जानती हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप ज़्यादा इधर उधर की खाद में ना घुसिए, आप अपनी वर्मी कंपोस्ट यूज़ करिए। और जैसे कि हमारे रिलेटिव रहते हैं गाँव में, तो हम वहाँ से शुद्ध गोबर की खाद लेके आते हैं, बस वो दो ही मैं इनमें यूज़ करती हूँ। और एक मैं आपको तरीका बताऊंगी, जो आपके घर में जो छिलके होते हैं ना, सब्जी के छिलके जी, और जो गार्डन की वेस्ट है, जब आप अपने पौधों को रिपोर्ट कर रहे हो तो आधा आप उनसे भर दीजिए, उसके ऊपर मिट्टी लगा के अपना पौधा लगाइए और फिर देखिए आपके पौधे किस तरीके से सर्वाइव करते हैं और वो खाद धीरे धीरे कंपोस्ट होके उन्हें एनर्जी देती रहती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ये शायद मुझे, मैंने किसी से सीखा नहीं ये मैंने खुद ही ऐसे किया और मैं इसमें सक्सेस हुई। नाइस। इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो इस प्लांट के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए मैम। हाँ, ये इसको वैसे तो ट्रम्पेट वाइन कहते हैं, आप इसे ना पूरी बेल की तरह भी लगा सकते हो और इसको ऐसे भी। मैंने ये एक ही पौधा लगाया था, इसी के बीज इसमें गिरे और ये एक पौधा नया तैयार हो गया। ओके। तो मेरे को अपने पौधे बहुत बड़े नहीं करने, तो मैं इनकी कटिंग करती रहती हूँ, वरना तो आप चाहो तो इसे बेल के रूप में बहुत ऊपर तक भी चढ़ा सकते हो। है अडेनियम, और आप देख सकते हो मैंने अडेनियम की ना इस टाइम सारी पत्तियाँ निकाल दी थी और मेरे अडेनियम पे हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है। मैं सर्दी में भी इसको कभी अंदर उठा के नहीं रखती, बाहर ही रखती हूँ। बस ध्यान रखती हूँ कि पानी इसमें ज़्यादा ना जाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, शायद मेरे प्यार की वजह से ये पौधे इस तरीके से खिलते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स, और साथ ही में नीचे में मैं देख रहा हूँ काफी ज़्यादा। हाँ, ये हमारे लक्ष्मी गणेश जी थे, तो इनको भी मैंने फेंका नहीं, यहाँ पे एक स्टोरी बना दी। नाइस। और कभी कभी अपने गार्डन में ना आपको मंत्र वगैरह भी अपने फोन के जरिए या चला देने चाहिए, क्योंकि पौधों को भी म्यूजिक सुनना बहुत ही पसंद होता है। आप ये करके देखिए और अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी खुद ब खुद ही आ जाएगी। कहने के लिए एक स्टोरी है, पर कभी कभी आप इसमें यहाँ पे धूप लगाइए, कुछ मंत्र चलाइए, कुछ गाने चलाइए और फिर इस एनर्जी का लुफ्त उठाइए। देखिए यहाँ पे काफी सारे जो पेंट के डब्बे हैं उनको मैम ने यूज कर रखा है, साथ ही में स्टोन पेंटिंग भी की है। ये पेंट के डब्बे थे, तो ये देखिए मेरी कैसी ड्राइंग है, मैंने यहाँ पे इनको बना दिया और इसमें लगा दिया। बहुत सुंदर स्टोन थे, तो जो भी आपको आता है यहाँ पे मैंने इनको बना दिया, यहाँ पे लेडी बर्ड बना दिया और कोशिश की थी मैंने यहाँ पे एक बटरफ्लाई बनाने की, पर मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मुझे खुशी मिलती है। जो पॉट टूट गया था ना, इसको मैंने गमले में ऐसे रख दिया, इससे कलर आ गया और बस मुझे फेंकना अच्छा नहीं लगा। तो ये मेरा प्यारा पॉट था, इसे मुझे लेजी गार्डनर ने दिवाली पे गिफ्ट किया था। ओके। और इसको मैंने यहाँ लगा दिया। नाइस। देख रहा हूँ फ्रेंड, देखिए कितने ओल्ड जेड है मैम के पास, ये भी काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे। जेड प्लांट के बारे में तो बताना चाहूंगी, मैं केवल एक लेके आई थी और एक से मैं इतने तैयार कर चुकी। जो भी आपके घर में छोटे मोटे मग्घे या वो बनते हैं ना, उनके अंदर आप इन्हें लगा दीजिए, और इसे लगाना इतना आसान है। आप इसकी ये लगाओगे ना तोड़ के, इससे भी ये प्लांट तैयार हो जाएगा। और आपके घर में जो कोई गेस्ट आते हैं ना और आपके गार्डन की तारीफ करते हैं, उन्हें उठा के वो एक मग्घा लगा के ये दे दो, वो खुश होंगे और आपका गिफ्ट हमेशा संभाल के रखेंगे। और सबसे अच्छी बात है इसकी ज्यादा केयर वगैरह भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना पड़ता। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसमें आप महीना भर भी पानी नहीं दोगे ना ये तब भी सरवाइव करता है। और इसे वैसे भी हमारे यहाँ लक्की प्लांट भी बोलते हैं, तो शायद मेरा लक कुछ ज्यादा ही चल रहा है, क्योंकि मैं इसे जहाँ भी लगाती हूँ ना ये वही उग जाता है। नाइस। ऊपर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेर है, ये वेरिएटेड कनेर है पिंक कलर का। और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छे ब्लूम पर है इस टाइम पे, फ्लावरिंग जो है काफी अच्छी हो रही है। इसमें काफ़ी सारे आपको बर्ड्स नज़र आएंगे। देखिए कितना पुराना प्लांट है मैम ये भी? तकरीबन 3 साल पुराना ही है, ज़्यादा पुराना नहीं, क्योंकि मैं इसकी कटिंग करती रहती हूँ, बढ़ने नहीं देती ज़्यादा। फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। और आगे की तरफ चलते हैं, कुछ विंटर फ्लावर्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ये देखिए। हाँ, ये मेरा एक स्टैंड है जो मैंने विंटर फ्लावर के लिए ही रखा हुआ है, और आने वाले टाइम में मैं इसमें 9 o'clock लगा दूंगी। तो इसमें मैं हमेशा अपने फ्लावर ही लगा के रखती हूँ और इसको भी अपने गार्डन में जगह जगह शिफ्ट करती रहती हूँ। जहाँ भी इसकी पोजिशन मेरे को अच्छी लगती है मैं इसको वहाँ लगा देती हूँ। अच्छा मैम, आप विंटर फ्लावर के बारे में बता रहे थे कि आपकी जो विंटर फ्लावरिंग होती है वो काफ़ी टाइम तक होती रहती है। हाँ, ये कहने के लिए पिटूनिया मार्च अप्रैल तक चलते हैं, लेकिन मेरे गार्डन में जो पिटूनिया के बीज खुद ही उग जाते हैं ना, वो मैंने जून जुलाई तक भी फ्लावरिंग करते हुए देखे हैं। वाओ, सो नाइस।
ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे है नागदोन, काफी बुशी है। ये बरसात में इतना हरा हो जाएगा, ये मैंने पूरा काट दिया था इसलिए ऐसा है। बरसात में ना ये इतना हरा भरा हो जाएगा कि आप इसके आर पार देख नहीं पाओगे। नाइस। बहुत सारा, बहुत ही सुंदर लगता है ये देखने में। आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, ये देखिए चीकू का पेड़ आ चुका है आपके सामने। तो चीकू मैं देख रहा हूँ मैम, काफी बड़े पॉट में आपने लगाया हुआ है। चीकू बहुत बड़े पॉट में, और इसको मैंने लगाया हुआ है इसलिए कि मैं अपने गार्डन में ना एक बहुत बड़ा प्लांट रखना चाहती हूँ, भले ही वो चीकू का हो, आम। उसके नीचे ना मुझे एक बुद्धा का सेटअप बनाना है। अभी ये बहुत बड़ा नहीं हुआ, जब ये और बड़ा हो जाएगा तो मैं इसमें लाइटिंग, लैंटर्न वगैरह लटका के एक सुंदर सा बुद्धा सेटअप देना चाहूंगी, जो मेरा सपना है और वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। ये फिनाइल की बोतल थी, और जो झाड़ू होती है ना जी, वो झाड़ू मैंने इसके ऊपर चिपका के सुतली से इसे रैप कर दिया। और यहाँ पे जो काले वाली बर्ड है उसने अपने बच्चे एक बार रखे भी हैं। अच्छा। तो और मुझे इतना अच्छा लगता था ना उन्हें देख देख के, और इस बार मैं ये सूरज कुंड से कुछ इस तरीके के लेके आई हूँ। वेट कर रही हूँ कि यहाँ आए वो अपना घरौंदा बनाए, और मेरे को भी खुशी होगी कि किसी ने यहाँ पे अपना घर बनाया। नाइस। ये भी पेंट का डब्बा है, और कई बार मैं ऐसे ही उठा के ना अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर देती हूँ, तो उनका भी दिल खुश हो जाता है और मेरा भी दिल खुश होता है। ये देखिए आप, इसकी सबसे बड़ी बात संदीप जी मैं आपको बताऊंगी, जो इसकी सूखी पत्ती है ना, आप इनको काट के अपनी चाय की पत्ती में मिला लो, और आपकी जो खुशबू और एनर्जी होगी ना चाय की, वो 10 गुना बढ़ जाएगी। और अगर आपके पास अदरक नहीं, आप इसे लगाओगे, इसकी खुशबू देखो कितनी अच्छी होती है। तो मैं इन सूखी पत्तियों को अपनी चाय में यूज करती हूँ। बहुत बढ़िया। और इसको लगाना भी बहुत आसान है, आप इसकी एक डंडी निकालोगे ना जी, और कहीं भी लगाओगे ये लग जाएगा, इजीली लग जाएगा, और पूरा बुशी हो जाएगा। झूला देख रहे हो, इसको एक तो हमने खुद बनवाया, क्योंकि मेरी फैमिली में ना बहुत टॉल लोग हैं, तो जो आर्टिफिशियल जो बाहर के झूले है ना, वो उन लोगों का वेट ही नहीं संभाल सकते। 100 kg का एक आदमी है घर के अंदर। इसको हमने खुद ही बनवाया था डिजाइन करके। और ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये आप देख रहे हो ना जी, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना ठिकाना, देसी वर्ड गांव का, फीलिंग आती है गांव की। नाइस नाइस, बहुत सुंदर मैम, काफी सुंदर बनाया हुआ आपने। कोई भी रिश्तेदार आते हैं ना तो बस घर में ना छत को देखना ही पसंद करते हैं। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ अगेन अपना गाँव। हाँ, ये हमने वॉशरूम बनवाया है यहाँ पे टेम्परेली जी, ठीक है। तो जब हम छत पे होते हैं तो इसे यूज कर लेते हैं। ये फिर से दिवाली के दिए, ये आप अपने, हाँ इनके ऊपर ना आप कुछ और भी कर सकते हो अगर आप करना चाहें, कलर वगैरह करके। हाँ, लेकिन मैंने ना बिल्कुल इसको देसी देसी रखा है, क्योंकि आई थिंक पीछे गांव लिखा है। हाँ, और हमारे जो कुम्हार है ना उन्हें भी अप्रिशिएशन मिलेगा शायद ये करने से ना, उन्हें खुशी होगी कि वो इतनी मेहनत से बनाते हैं और लोग एक दिन जला के उन्हें फेंक देते हैं। तो आप अपने गार्डन में बना रहे, लकड़ी का टुकड़ा था ये देखिए, बिल्कुल कटा फिटा, कटे के ऊपर ही हमने इसको इस पे स्वागतम लिख दिया। कोई नहीं, बिल्कुल ये एकदम लग रहा है ना ओरिजिनल टुकड़ा है, ऐसा कुछ इसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं। तार के टुकड़े से बांध दिया, यहाँ पे अगेन फिर एक घोंसला बना दिया, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये हमारी सीढ़ी जो हमें छत पे जाने के काम आती है, अब इसका पेंट उतर गया, इसको मैंने बहुत सुंदर पेंट किया था, 2 साल हो गए, 2 साल आराम से चल जाता है अगर आप पेंट करो। और बांस की ना एज बढ़ जाती है, बांस गलता नहीं फिर जल्दी से, तो आप अपनी सीढ़ी को ऐसे डेकोर भी कर सकते हो, इसके ऊपर कुछ लटका भी सकते हो अगर लटकाना चाहे तो। ये मैंने एलोवेरा बनाया हुआ है, मग टूट गया था, तो आप मग ना फेंको मत, क्रैक हो गया तो उसमें कुछ ऐसे लगा दो। और आप आने वाले ना अपने फ्रेंड जिन्हें एलोवेरा पसंद है तो आप उन्हें एलोवेरा दे सकते हो। तो इसी तरीके से ना मैं तो जेड प्लांट, एलोवेरा, ये तो मैं बहुत सारे गिफ्ट करती हूँ, हमेशा करती रहती हूँ। ये सब उन्हीं के लिए है जो गिफ्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने ये हटे, इन्हें हम बांध भी सकते हैं, और इसको भी मैं सूरज कुंड से लेके आई थी, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये सब चीजें। ये आ चुका है आम का पौधा, आम का पौधा, आम का पौधा बेसिकली संदीप जी मैं लाई थी पूजा के लिए, पत्ते यूज करने के लिए, क्योंकि पूजा के पत्ते नहीं होते थे, और ये नर्सरी में ऐसे ही पड़ा हुआ था, और हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि ये पौधा ना इतने अच्छे से चलेगा। अब आप देख सकते हो ये पत्ते भी देता है पूजा के लिए, और फ्रूटिंग भी इस पे शुरू होगी, और अभी ना इस पे ये देख सकते हो आप, ये लेडी इस पे ना, यहाँ पे लेडी बग का अटैक हो चुका बहुत बुरी तरीके से। अभी मैंने इस पे नीम ऑयल छिड़का था जी, अब ये केवल 10% रह गया, आज और लगा दूंगी तो ये बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाएगा जी। नीम ऑयल को ना आप छिड़क रहे हो ना तो उसका थोड़ा पानी गमले के अंदर डाल दिया करें। अच्छा। हाँ, जब आप गमले के अंदर डालोगे तो जैसे हम खाना खाते हैं ना और हमारी पूरी बॉडी में वो खाना जाता है, उसी तरीके से आप मिट्टी के अंदर डालिए वो चीजें। ओके। तो आपके जो लेडी बर्ग है ना वो बहुत ज्यादा अटैक नहीं करेंगे, आप ये
मेरा एक नुस्खा जरूर आजमा के देखिए। नाइस। नहीं आप उगते रहते, मैं इन्हें लगाती नहीं हूँ। अच्छा। जो भी गार्डन में है इन्हीं के नीचे देखो ये कितने पेड़ बन गए, आप देख सकते हो यहाँ पे पेड़ बन गए जी। या तो आप इन्हें जगह जगह शिफ्ट कर दीजिए, और ना भी करो तो ये देखो आप ऐसे, और मैं इसको काट भी देती हूँ फिर से ये इतना बड़ा हो जाता है। इस प्लांट की मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी जी। जहाँ नर्सरी से मैं लेके आई हूँ ना इसे, कोई लेडी थी जो बड़े प्यार से अपना गार्डन सजाया था, लेकिन जब उनकी एज हो चुकी तो उन्होंने अपने ये प्लांट नर्सरी में दान कर दिए, और उन्होंने बोला कि जो भी इन प्लांट को ले जाना चाहे ना आप उनसे पैसे मत लेना। तो ये कम से कम 20 साल पुराना फाइकस का प्लांट था, ये आप देख सकते हो 20 साल पुराना कम से कम जी। और जब मेरे को उसने बेचारे ने दिया तो उसने मेरे से केवल अपने इस पॉट के पैसे लिए थे, उसने मेरे से एक भी पैसा नहीं लिया था। और यहाँ पे मैंने अपने शिव जी की स्टोरी बना दी। शिवरात्रि वगैरह पे हमारे पास मंदिर नहीं है, यहाँ थोड़ा दूर है, तो मैं तो यहीं पे अपनी पूजा कर लेती हूँ मंडे वगैरह को। बहुत सुंदर है मैम। ये आप देख सकते हो ये मेरे 5 साल पुराना ही सनी का प्लांट है। और हाँ, शमी का प्लांट जो है ना घर में रखना बहुत ही शुभ मानते हैं हमारे यहाँ तो। और कहते हैं ना जब आपके पास कोई बुरी नज़र हो या आपके साथ कुछ हादसा होने वाला हो तो ये सूख जाता है। और मैंने वाकई में ये देखा कि पिछले साल ये पूरा प्लांट सूख गया था संदीप जी, और मेरे हस्बैंड का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। तो कई बार ना हम इन चीज़ों को, मैं ये नहीं कहती हूँ मिथ है, पर कुछ चीज़ें ना आपको बताती हैं वाकई में आने वाले भविष्य के बारे में, आपको सिक्योर करती। और ये दोबारा से फिर से हरा भरा हो गया, इस पे पर्पल कलर के फूल आते हैं, और दशहरे वाले दिन इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान राम ने जो अपने हथियार छुपाए थे वन में जाने से पहले वो इसी पेड़ के नीचे छुपाए थे। तो इसे वरदान है, जिस घर में ये होगा वहाँ पे कोई भी दुख या संकट या उनके दुश्मन उनका बुरा नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं अपना सीटिंग एरिया जी, चलते हैं फ्रेंड्स अंदर। आप देखते हैं बेस्ट ऑटो बेस्ट के और भी ऑप्शंस, ये देखिए बहुत ही सुंदर मैम, ये हमने अपना सीटिंग एरिया बनाया हुआ है। अक्सर आप अपना फर्नीचर भी फेंकना पसंद करते हो, पर मैं नहीं चाहती कि आप अपने फर्नीचर वगैरह को फेंके। अगर आपके घर में कुछ ऐसी जगह है, भले नीचे भी गार्डन होता है ना संदीप जी, उसमें भी आप शेड लगा के जी इस तरह का एरिया बना सकते हो, बैठने में बहुत ही अच्छा लगता है, और आप छोटी मोटी पार्टी अपने घर की ऑर्गेनाइज कर सकते हो जी। मैंने अपने बेटे की हल्दी का फंक्शन इसी गार्डन में किया था और सबने बहुत ही अप्रिशिएट किया था। नाइस। तो फ्रेंड ये है इनका सिटिंग एरिया, और यहाँ पे भी देखिए काफी सारी चीजें हैं जो कि मैम ने खुद ही बनाई हैं। हाँ, और ये दीवार पे पेंट मैं खुद ही कर लेती हूँ, साल में एक बार खुद ही करते हैं। हाँ जी। नाइस, बहुत मेहनत करते हैं। हाँ जी, जो ये ब्रश है ना, क्योंकि मुझे अच्छे से वो धुलने नहीं आते तो वो जाम हो जाते हैं जी। तो यहाँ पे हमने अपनी फैमिली बनाई है, ये हमारी फैमिली में आने वाला सदस्य है जो अभी तक नहीं आया। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप सबकी दुआ होगी तो वो जल्दी आएगा। और ये लकड़ी के टुकड़े, जैसी भी आपको पेंटिंग आती है ना, मैं तो कहती हूँ आप एक बार करके देखो। ये देखिए जो नमस्ते जी लिखा हुआ है ना, इस पे इतना सारा गम लगा हुआ, जब उन्होंने कारपेंटर में काम किया था मैंने उसका हटाया भी नहीं, उसी के आपने ऊपर ही पेंट, उसी के ऊपर लिख दिया बस ऐसे। काफी सारे फ्रेंड देखिए कोड लिखे हुए हैं मैम ने गार्डनिंग के, जो कि काफी सुंदर लग रहे हैं। और ये सारी की सारी चीजें आप जो देख रहे हैं मैम ने खुद ही बनाई हुई है, तो जैसे कि पेंट वगैरह मैम खुद भी करती रहती हैं। तो आगे की तरफ आप जब बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए पूरी वॉल पे मैम ने पेंट किया हुआ है, बहुत ही सुंदर ट्री बनाया हुआ है मैम ने। ये ट्री ये देखो कितना गंदा है, यहाँ पे ना हमारे बोरिंग और अपने सप्लाई के यहाँ पे ये लगे हुए हैं, तो हम इन्हें ढक नहीं सकते जी, क्योंकि सभी फ्लोर वाले अपना आके यहाँ पे ऑन ऑफ करते हैं। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कह रही है मैम कि इसमें अक्सर ऑन ऑफ करने का है ना। हाँ जी, तो हम इसको ना यहाँ पे ऐसे कुछ ढक नहीं सकते जी। तो मैंने इसको एक ऐसा वो दे दिया, ये बहुत ही गंदा सा उबड़ खाबड़ पाइप है यहाँ पे। वैसे आपने जब मुझे बताया मुझे तभी इसकी नजर गई है, नहीं तो वैसे नजर नहीं जा रही थी मेरी यहाँ। मेरे को दूर से तो ट्री दिख रहा है प्रॉपर। हाँ, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है मैम। तो इसको मैंने बना दिया और ये उबड़ खाबड़ नहीं दिख रहा। कई बार ना कारपेंटर आके वहाँ जब प्लम्बर आता है ना इसको तोड़ भी देता है। अच्छा, अगर किसी का पानी में कोई प्रॉब्लम आती होगी तो बस इसके अलावा मैं यहाँ और कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन आपने जो भी किया है मैम बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। और यही तार है जो मैं अपने DIY में यूज करती हूँ बांधने के लिए। अच्छा, ये वाली। हाँ, ये कूलर की वायर है, आपको ना हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगी, मिल जाती है इजीली। नाइस, बहुत इजीली मिल जाती है। इधर देखिए यहाँ पे लिखा है मैम ने बागवानी सुप्रभात। एंट्री करते ही ये हमारी निगाह सबसे पहले इस साइड ही पड़ती है। नाइस,
और इस तरफ जैसे कि मैम ने मेंशन किया है दिल्ली नेचर लवर, तो इस नेम से मैम का यूट्यूब चैनल भी है। हाँ जी, मेरा यूट्यूब चैनल है, लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मैं चाहती हूँ संदीप के थ्रू भी मुझे पसंद करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो इंस्टाग्राम भी है और यूट्यूब चैनल भी है, तो आप इनके अकाउंट पे जरूर जाइएगा और इनकी वीडियोस भी जरूर देखिएगा। और मेरे को कौन कौन पहचानते हैं संदीप जी के कॉमेंट में जरूर मेंशन करें। बिल्कुल, कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपने मैम की पहले भी वीडियोस देखी हुई है। अब हम बाहर की तरफ आ रहे हैं फ्रेंड, अब मैम की आ चुकी है बालकनी, और बालकनी बहुत ही सुंदर है। काफ़ी सारी रील्स मैंने इसकी ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है इंस्टाग्राम पे, अगर आपने नहीं देखी तो आपने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है। मैम के साथ इंस्टाग्राम पे भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो मैम बालकनी की बात करें तो इस स्पेस को मैं देख रहा हूँ आपने खुद ही डेकोरेट कर रखा है। हाँ, और वॉल्स पे भी आपने आई थिंक खुद ही पेंट वगैरह करा हुआ है। जो टेराकोटा पेंट होता है ना जी, ये पानी से भी खराब नहीं होता, आप पानी भी डालोगे ना रोजाना धुलोगे, ये वही पेंट यूज किया। और जो दीवारों पे करने वाला वाइट है उससे मैंने ये वर्ली आर्ट बनाई है। अभी मैंने पेंट के डब्बे से ये क्लांचो लगा दिया और ये काफी हरा भरा रहेगा, यहाँ पे नजर ना लगे तो मैंने ये बना दिया। बड़े वाला धन्यवाद आप सबका, जो भी मेरे मन में आता है ना कोई भी थॉट वो मैं लगा देती हूँ। ये कटोरी थी किचन की, जो घर की चाबियां होती है ना जी, जब हवा चलेगी तो ये बजेंगी। नाइस, बहुत सुंदर। हाँ, और मैं देख रहा हूँ इस टाइप के जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं ये खराब डब्बे हैं, कटोरियां हैं, सब कूड़े में नहीं फेंकती हूँ, कूड़े में ना फेंक के आपने डेकोरेट किया है जो कि काफी सुंदर भी लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है मैम। ये देखिए डब्बे ही हैं टूटे हुए, बस आप कैसा भी फूल वूल बनाइए और लगा दो। तो फ्रेंड ये आपके ऊपर है कि आप कैसे डेकोरेट करेंगे, मैम ने खुद की अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, तो आप भी जैसे मर्जी वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। आपके सामने देखिए अगेन स्टोन्स हैं, स्टोन्स तो मैं जगह जगह देख रहा हूँ, काफी सारा डेकोरेशन आपको यहाँ पे स्टोन्स का मिलने वाला है। और स्टोन मैंने खरीदे नहीं, मैं कहती हूँ ना जहाँ मैं जाती हूँ, मैं एक्चुअली हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ और जब भी मैं अपने घर जाती हूँ तो मैं थोड़े से स्टोन लेके आती हूँ क्योंकि नदी हमारे पास ही है, तो मेरी यादें भी होती है माइके की उधर से जी, और मेरे पास ये स्टोन भी कलेक्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर मैम, ये देखिए फ्रेंड दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ ये भगोना जो फूट गया था ना, ये भगोना है। हाँ जी, किचन का भगोना है जो फूट गया था, इसको मैंने पेंट कर दिया। और इसके अंदर आप कोई भी ऐसे प्लांट रख दीजिए या डायरेक्ट लगा दो, लेकिन ये टूटा हुआ है, मतलब इसमें ना छेद है, तो इसको भी मैंने फेंका नहीं, कबाड़ी 5 रुपए देता उससे अच्छा। बहुत सुंदर भगोना तो लगी नहीं लगी। हाँ जी, ये ग्लास है किचन का टूटा हुआ, ये देखिए फ्रेंड वॉल पे देखिए पेंटिंग कितनी अच्छी की है मैम ने। ऐसा नहीं कुछ ड्रॉ किया है, जो मन में आया ना, मैं तो कहती हूँ आप ना अपने अंदर की कलाकार को बाहर निकालें, और हर औरत के अंदर एक कलाकार होता है जी। तो आप उसे जरूर निकालें। मैं तो पहले भी यही संदेश देती आई हूँ कि आप ना एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना है ना, तो रीयूज आइडिया लेके आए अपने घर में। अब आप देख सकते हो पिजन का, वो बेचारे कहीं भी, अब देखो कोई घोंसला नहीं बनाया, वो ऐसे ही अंडे रख देते हैं पिजन के अंडे। हाँ जी, और यहीं बैठे रहेंगे, वो जाएंगे भी नहीं। अब आप देखिए, ये देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे कभी आपने पड़ोसी पिजन नहीं देखे होंगे लेकिन साथ साथ गमले में उन लोगों ने अपने एग रख दिए। हाँ जी, तो ये सारे के सारे पिजन के एग्स हैं फ्रेंड, देख सकते हैं आप। और जब इनके बच्चे बन जाते हैं ना तो मैं कई बार इनमें पानी नहीं देती, इसलिए मेरे प्लांट सूख जाते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता उन्हें हर्ट करना। बिल्कुल, तो मेरे बहुत सारे पौधे इस वजह से भी खराब हो जाते हैं। संदीप जी ये एक और देख सकते हो आप, ये जो फ्राइंग फैन होते हैं ना किचन में जी, ये बिल्कुल खराब हो गया था, नॉन स्टिक था, तो इसको भी मैंने पेंट करके एज ए प्लांटर यूज कर लिया। और आप इसको अपनी टेबल पे भी रख सकते हो, इसके अंदर कोई स्टोरी वगैरह बना के, या कोई बोनसाई प्लांटर भी इसमें बना सकते हो, इसमें बहुत सुंदर स्टोरी बन के तैयार होगी। तो आप अपने घर के बर्तनों को, चाहे वो कढ़ाई हो, कुकर हो, उन सबका यूज कर सकते हो अपने प्लांटर बना के और अपने घर को सजाने। फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल चलो बागवानी करे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो रोजाना मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती है। साथ ही में अगर आप मैम की रील्स भी देखना चाहते हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल रील्स मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी अपलोड कर दी हैं, तो इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, तो आप उसे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।